हमारे लिए बहुत अच्छा एक अवसर के रूप में NCOI के माध्यम से हमें मिला। हैंडमेड प्रोडक्ट्स के साथ साथ डिजिटल भी सिखाया जाता है। कोशिश कर रहे हैं जी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की। अभी थोड़ा सेटअप करा है हमने, जीवामृत बनाया है। 5,000 लोग जुड़े हुए हैं। भारत का कोऑपरेटिव सेक्टर काफी पुराना है, वाइब्रेंट है, चाहे वो चीनी मिले हो, खाद कारखाने हो, डेयरी हो, ऋण की व्यवस्था हो, अनाज की खरीद हो, कोऑपरेटिव सेक्टर की भागीदारी बहुत बड़ी है। हमारी सरकार ने इससे जुड़ा नया मंत्रालय भी बनाया है और उसका मूल कारण किसानों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने का है। हमारी कोऑपरेटिव में एक वाइब्रेंट बिजनेस एंटिटी बनाने का बहुत स्कोप होता है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि कोऑपरेटिव को एक सफल बिजनेस एंटरप्राइज में कैसे बदले। प्रधानमंत्री जी ने राह दिखाई और साल 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया, जिससे सहकारिता आंदोलन को एक नई पहचान मिली। सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को पेशेवर और प्रतियोगी बनाने के लिए कुल 45 योजनाएं बनाई हैं और पैक्स को डेयरी, मत्स्य पालन, जन औषधि, पेट्रोल पंप, LPG जैसे क्षेत्रों में व्यवसाय शुरू करने के लिए सशक्त कर रही है। जब तक कोऑपरेटिव में बेसिक प्राइमरी सोसाइटी को मजबूत नहीं करते हैं, कोऑपरेटिव मजबूत नहीं होती। तो एक पैक्स आएगी जो कृषि में ऋण देने का काम करेगी, इसके बाद में ग्रामीण डेयरी आएगी जो उसके बाद में जिला डेयरी से जुड़ती है और फेडरेशन से जुड़ती है, उसके बाद में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आएंगे। सहकारिता मंत्रालय के सहकार से समृद्धि के संकल्प को पूरा करने का बीड़ा भारत की सहकारी आंदोलन की शीर्षस्थ संस्था NCUI यानी भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने उठाया है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ अपने 291 सदस्य संस्थाओं के माध्यम से देश के 8.5 लाख से ज्यादा सहकारी समितियों के शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए काम करता है। पिछले 2 वर्षों में मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई गतिविधियों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उद्यमिता विकास एवं सहकारिता केंद्र का गठन किया गया, जिसके तहत अगस्त 2021 में NCUI हाट की स्थापना की गई। NCUI ने अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं जैसे जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आर्ट ऑफ लिविंग, HCL फाउंडेशन, IIT दिल्ली, NIFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च IIMR के साथ साझेदारी की है, जिससे सहकारी समितियों को आधुनिक तकनीक एवं कारगर उत्पादन एवं व्यवसाय विकास की मजबूती प्रदान हो सके। साथ ही NCUI देश की प्रतिष्ठित निजी कंपनियों के CSR के तहत आर्थिक सहयोग से विश्व स्तर का कौशल विकास केंद्र नोएडा में स्थापित कर रहा है, जिससे सहकारी समिति के सदस्यों को अपनी आजीविका के नए तरीके सीखने का अवसर मिलेगा। सहकारी क्षेत्र के लिए देश का पहला e-commerce प्लेटफॉर्म शुरू किया जा रहा है, जिससे सहकारी समितियों को ऑनलाइन बाजार के साथ साथ अब पोर्टल पर अपना व्यवसाय चलाने के लिए जरूरी प्रशिक्षण एवं ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक का सपोर्ट निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। NCUI देश के सहकारी बंधुओं को प्रशिक्षित करने के लिए कोऑपरेटिव एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज नाम का ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू करने जा रहा है। आइए हम सभी सहकार बंधु मिलकर भारत सरकार के सहकार से समृद्धि के संकल्प को साकार करने हेतु सहकारिता मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के नए उपक्रमों को सफल बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं।